वेलकम टू एसके स्टडी फैमिली रे आज हम डिस्कशन करवा प्लस टू सेकेंड ईयर कॉमर्स रो जो आम अकाउंटेंसी बही अच्छी अकाउंटेंसी बही रो फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट रो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स रो क्वेश्चन नंबर 4 को आज डिस्कशन करवा ताले जो मैंने चैनल प्रथम थर पर चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु और पाखे थोड़ा बेल आइकन को प्रेस करूँ मुझे जितेबाड़ भी नुआ वीडियो अपलोड करी आपको इंस्टेंटली नोटिफिकेशन मिल जाए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट गेट स्टार्टेड। ताले देखो क्वेश्चन नंबर 4 रे फॉलोइंग पार्टिकुलर्स हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ नंदो एंड कंपनी। आमर जो नंदो एंड कंपनी जहाँ किसी डाटा थिला से सबू को एक्सट्राक्ट कराई आई टेबुल लिखाई आम ये टेबुल को नहीं करें कौन करवा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करवा। यू आर रिक्वायर्ड टू नेसेसरी क्लोजिंग एंट्री एंड प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करने कहुई आउ गोटे कौन दिखाई क्वेश्चन ने ना ग्रॉस प्रॉफिट के 20% ऑन सेल्स सेल्स के 8 लक्ष 8 लक्षर 20% आम बाहर करवा 8 लक्षर 20% आम बाहर करवा बाहर कला सेमर ग्रॉस प्रॉफिट हो बुझेगा। ताले चलो देखो आमर जो क्वेश्चन टे बहुत बड़ अच्छी स्क्रीन रे धरव ना तो आम फास्ट पार्ट टू को डिस्कशन करवा फास्ट लेफ्ट लेफ्ट हैंड रे जहाँ आइटम अच्छी से सब डिस्कशन करवा राइट हैंड साइड रे जहाँ आइटम अच्छी से सब डिस्कशन करवा गुड इट। ताले देखिबा चलो फास्ट ये आमर फॉर्मेट जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ नंदो एंड कंपनी 31 मार्च 2020 बुझेगा। ताहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हम 4 नंबर क्वेश्चन रे लेफ्ट हैंड साइड रे जहाँ आइटम थिला सेटु को स्लाइड रे हम नहीं निली तो ना वर्तमान करिबा। ताहले देखो आमे ट्रेडिंग अकाउंट करिबा आमे कौन करंती फास्ट ट्रेडिंग अकाउंट तापर कौन करंती ना पीएल अकाउंट माने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हमको ये क्वेश्चन रे कहिसंती जे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करिबा तार माने हला फास्ट कौन हेतबो ट्रेडिंग अकाउंट हेतबो आ ट्रेडिंग अकाउंट रे कौन बाहर ट्रेडिंग अकाउंट रे आइदर ग्रॉस प्रॉफिट बाहर कौन बाहर ना ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस दुईटा मध्य गोटे हे ताहले ग्रॉस लॉस। ताहले आमर ये क्वेश्चन रे कौन बाहरी ना ग्रॉस प्रॉफिट बाहरी केते ग्रॉस प्रॉफिट बाहरी ना 20% ऑन सेल्स सेल्स आमर के क्वेश्चन रे 8 लक्ष 8 लक्ष रो 20% 20% मान बाहर करदे आम कैंसल आउट करदेव देख शून आ शून कटिगला शून शून कटिगला 18 × 2 = 16 लिखिदे लक्षे 60 हजार हो गला। तो आम ग्रॉस प्रॉफिट के लक्षे 60 हजार ताल आम ट्रेडिंग अकाउंट जितेबाड़ आम ट्रेडिंग अकाउंट करूँ ट्रेडिंग अकाउंट केमती हुए धरतु ये ट्रेडिंग अकाउंट केमती हुए जदि प्रॉफिट बाहर तो आम लिखु टू ग्रॉस प्रॉफिट ठीक ना केमती एटा धर ट्रेडिंग अकाउंट रे प्रॉफिट बाहर आम टू ग्रॉस प्रॉफिट लिखु ठीक ना ना जदि लॉस बाहर बाय ग्रॉस लॉस आम एमती लिख किंतु वर्तमान धर पीएल अकाउंट करवा पीएल अकाउंट कले कौन हे ना एटा जदि ग्रॉस प्रॉफिट अच्छी ताको कैरी फॉरवर्ड करवा ताले आम लिखा बाय ग्रॉस प्रॉफिट बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन माने ओणा हैला ब्रॉड डाउन जहाँ थी आइटम जहाँ अमाउंट थी से अमाउंट को आनी एठी लिखा बुझेगा। जदि ग्रॉस लॉस हैला तो आम लिखा टू ग्रॉस लॉस ब्रॉड डाउन बुझेगा। ताले ए क्वेश्चन रे हमर कोन हेची प्रॉफिट हेची केते टंकार प्रॉफिट होची 20% ऑन सेल्स सेल्स थिला केते 8 लक्ष 8 लक्षर 20% हेला लक्षे 60 हजार हेला। ताले आमे लेखिबा ए जो प्रॉफिट टाकू ट्रेडिंग अकाउंट रो प्रॉफिट को आमे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रे आनिबा ताले आमे लेखिबा बाय कोन लेखिबा बाय ग्रॉस प्रॉफिट कोन लेखिबा रे बाय ग्रॉस प्रॉफिट लेखि देबा चलो बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन कोठु ब्रॉड डाउन हैला कोठु ब्रॉड डाउन हैला ना ट्रेडिंग अकाउंट रो अणा है ताले केते लक्षे 60 हजार केमती बाहर ला ना 8 लक्ष रो केते 20% बुझेला। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिबा आउ गोटे मन रखिबो जे आम सबुबेड़े आइदार जितेबाड़ भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयारी करवा फास्ट आइटम हैला
आइदार ग्रॉस प्रॉफिट हेबो नहले ग्रॉस लॉस हेबो। जदि ग्रॉस प्रॉफिट हैला ताहले क्रेडिट साइड रे जीवो आ ग्रॉस लॉस हैला ताहले डेबिट साइड रे जीवो। बुझियला नेक्स्ट देखो फर्स्ट आइटम्स अछि सेल्समैन सैलरीज आमर जो सेल्समैन अछंती तांको सैलरी देबा तो सैलरी देले आमर कोन एटा वन टाइप ऑफ बिजनेस रो खर्च सेति पय एटा डेबिट साइड रे जीवो। काहे कि ना आमर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गुटे नॉमिनल अकाउंट जते प्रकार नॉमिनल जते प्रकार एक्सपेंसेस आउ खर्च सब डेबिट पटे जीवो आउ जते प्रकार इनडायरेक्ट इनकम एडा जानी थाउ खर्च कहले को टाइप रो खर्च इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जते प्रकार इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हबो डेबिट पटे पड़िबो आउ जते प्रकार इनडायरेक्ट इनकम्स थिवो सेटा क्रेडिट साइड रे जीवो। ताले प्रतिटी आइटम को भलो भाव रे डिस्कशन करिवा आउ एंट्री करिवा। ताले सेल्समैन सैलरीज दिया जी 31,200 ताले एटा कोठि जीवो ना आमे एटा सेल्समैन मानन को सैलरी दिया होची एटा वन टाइप ऑफ खर्च ताले डेबिट पटे जीवो तो टू सेल्समैन सैलरीज लिखिबा 31,200 चलो लिखि देबा टू सेल्समैन सैलरीज केते ना 31,200 लिखि देले। नेक्स्ट आइटम कौन अच्छी बैंक चार्जेस बैंक रे जो चार्जेस लगे एटा वन टाइप ऑफ लॉस बिजनेस पे लॉस तो केते ना 1400 आउछ तो आमे लिखि दवा टू बैंक चार्जेस एटा केते 1400। नेक्स्ट कौन अच्छी इंश्योरेंस प्रीमियम आमर जो कंपनी रो किछि भी जिंस थबो ता बाबद हमकु इंश्योरेंस देबा को पड़ी थाय ताले एटा कंपनी पे गुटे खर्च वन टाइप ऑफ कौन एक्सपेंसेस ताले आमे केते केते अच्छी 4800 अच्छी ताले एटा डेबिट पटे जीवो टू कौन लिखवा ना टू इंश्योरेंस प्रीमियम केते अछि ना 4800 दे देले। ताले नेक्स्ट आइटम अछि ट्रेड क्रेडिटर्स देखो ट्रेड क्रेडिटर्स कहले आमे किछि भी जिनिस जो किणिबा थिवो तो आमे बाकी रे भी नहीं आसताउ बाकी रे नहीं आसला पर आमे तांकु देइ न थाउ जो सप्लायर थांती तांकु आमे देइ न थांतु। देखंतु बाकी रे आनले आमे किछि जिनिस बाकी रे आनीथिबा किछि भी जिनिस बाकी रे एक्स वाई जेड जहा हौ 40,000 टका बाकी रे एटा वन टाइप ऑफ खर्च एटा आमे शो करिबा नाही एटा शो करिबा नाही एटा कोठी शो करिबा नाही ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रे एटा शो करिबा नाही एटा बैलेंस शीट रे शो करिबा बिकॉज एटा बैलेंस शीट आमे बैलेंस शीट रो लायबिलिटी साइड रे जीवो 40,000 ठीक अछि। नेक्स्ट नेक्स्ट अछि एडवर्टाइजिंग आमे किछि भी जिनिस बिकिबा पई बा जिनिस प्रमोट करिबा पई बिजनेस को प्रमोट करिबा पई आमे एडवर्टाइजमेंट करि थाउ तो एटा गुटे बिजनेस रो वन टाइप ऑफ कोन एक्सपेंसेस जदि एक्सपेंसेस हला ताहले कोठी जीवो ना डेबिट साइड जीवो कोठी पीएल अकाउंट रो डेबिट साइड रे ताहले डेबिट साइड रे लिखि देबा केते ना टू एडवर्टाइजमेंट केते हला 12,800 लिखि देला पोर देखो पैकेजिंग चार्जेस अछि आ रिपेयर्स अछि केते रिपेयर्स अछि 2400 आउ पैकेजिंग चार्जेस अछि 7600 ताले प्रथम लिखि दो दुटा जको आइटम देखो टू रिपेयर्स 2400 टका आउ टू पैकेजिंग चार्जेस केते 7600 लिखि देला पोर इन्वेस्टमेंट देखो एटा भी गुटे गुटे वन टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर एटा बरसा रे कवर हे पारबो नै टंका जतकी अछि रिकवर करि परबो नै एटा हमर कोड कोडी दर्शेबा ना बैलेंस शीट रो एसेट साइड रे दर्शेबा जेंति कि फर्नीचर किणिबा में बिजनेस पई मशीन किणिबा ओके एटा कैपिटल एक्सपेंडिचर रे जाउ छी एटा बैलेंस शीट रे जीवो बुझेला बैलेंस शीट रे जीवो। नेक्स्ट कोन बैड डेब्ट कहले कोन ना धरंतु आमे दुकान रे बसचंती किछि भी जिनस आमे धार रे नै देले धरंतु 1000 टका गुटे पर्सन आसीला आउ 1000 टका आमे ताकु बाकी रे देले माने धार रे देले बाकी रे देला पोर से कहला आमे 2-3 दिन पर दे देउ पैसा से हिसाब रे आमे दे देले तांकु किछि जिनस किंतु से 2-3 दिन पर आउ देला नाही वर्षे बीती गला देला नाही तो आमे एटा कोन भाव कंसीडर करिबा ना एटा गुटे बिजनेस रो वन टाइप ऑफ बैड डेब्ट हे गला माने आउ पाइबार आशा नाही एटा हला बैड डेब्ट किंतु 2-3 वर्ष 4 वर्ष पर आसी करि से कहला हां तोर बाकी पैसा टा जी नै जेबु ठीक अछि दे देला जदि जो पैसा पाइबार नथला के किंतु पाई गले सेटा को कुआ जे बैड डेब्ट रिकवर माने रिकवर हे गला किंतु जदि आमे न पाइले ताले कोन लिखबा बैड डेब्ट ओके
टर्न बुझीगला ताहले बेड डेप्ट वन टाइप बिजनेस रो लॉस ताहले केते ना 10,000 टका होछि एटा डेबिट पटे जीवो टू बेड डेप्ट। टू बेड डेप्ट लिखि देबा टू बेड डेप्ट केते ना 10,000। नेक्स्ट कौन अच्छी फ्रेट ऑन सेल्स। फ्रेट कहले कौन रहे फ्रेट कहले गोटे भोडा वन टाइप ऑफ कौन भोडा ताहले गोटे खर्च। तो किसी भी जिनस हमें सेल्स करवा बेले जो फ्रेट हो मैंने खर्च होते हो 3,200। तो ये वन टाइप ऑफ एक्सपेंसेस ताहले हमें डेबिट पटे देखेबा टू फ्रेट ऑन सेल्स। फ्रेट ऑन सेल्स के 3,200 ताहले अच्छे कमिशन पेड। कमिशन पेड कराई के 4,000 टका ताहले टू कमिशन पेड 4,000 देदेले। वर्तमान लेफ्ट साइड रे जितकी आइटम थी आम भल भाव डिस्कसन करें। नेक्स्ट स्लाइड रे राइट हैंड साइड रे जो आइटम्स अच्छी ताकू डिस्कसन करवा। ताले देखो राइट हैंड साइड रे अच्छी सेल्स। आम सेल्स सेल्स से कौटी जाए ना ट्रेडिंग अकाउंट जाए आम ट्रेडिंग अकाउंट पकई था। यही सेल्स कौन पर आइटम दिखाई ना लिखाई थी आमर तले कौन लिखाई ग्रॉस प्रॉफिट केमती बाहर ना 20% ऑन सेल्स। ताहले आम 20% बाहर कले 8 लक्ष दिखाई 8 लक्षर 20% बाहर कर लिखिले ग्रॉस प्रॉफिट के 1,60,000 एतिक बुझीगला। नेक्स्ट कौन अच्छी जनरल एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंसेस के 11,400 टका अच्छी यहाँ वन टाइप ऑफ एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ताहले आम डेबिट पटे लिखा कौन ना टू जनरल एक्सपेंसेस केते टू जनरल एक्सपेंसेस 11,400 टका लिखिदेला। नेक्स्ट आइटम अच्छी ट्रेड डेप्टर्स। देखो आमे किसी जिनस आमे जमी धार नहीं बाकी किसी जिनस नहीं आसी था सेमती कंपानी रे काकू जो आम डेप्टर्स अच्छा पार्टी अच्छा जो आम कस्टमर अच्छा कस्टमर मानक आम बाकी रे भी जिनस दे था। तो के 48,000 टका दे तो यहाँ वन टाइप ऑफ एटा खर्च नुहे सेटा आमको भविष्य में मिल। तो यहाँ बैलेंस शीट रो आम जो बैलेंस शीट अच्छी बैलेंस शीट रो एसेट साइड रे जीवो कौन ट्रेड डेप्टर्स। ओके एटा तो खर्च किसी ना ताले आम एटा कौन लिखा ट्रेड डेप्टर को आम कोड कंसीडर करिबा नै कोडी कंसीडर करिबा नै प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रे कंसीडर करिबा नै एटा कोठी कंसीडर करिबा ना बैलेंस शीट रो एसेट साइड रे शो करिबा बुझियला। नेक्स्ट लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। देखो खाली इंश्योरेंस प्रीमियम जदि दिहित आमर कौन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रो डेबिट पटे पड़ो। किंतु लाइफ इंश्योरेंस माने ओनर जे मालिक जे प्रोपराइटर रो निजो पर्सनल इंश्योरेंस दे तो ये आइटम को आम कनसीडर करवा ना जो 4,000 को कनसीडर करवा ना यहाँ पर्सनल आइटम हो पर्सनल आइटम इज नॉट रिकॉर्डेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके ओनली बिजनेस ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड। नेक्स्ट नेक्स्ट अच्छी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। देखो आम जो जिनस इनभेस्ट करूँ सेयार होकोसी जिनस जदि आम इनभेस्ट करबदे इंटरेस्ट पाँच ताल वन टाइप अफ एटा गोटे कौन प्रॉफिट बा गेन अच्छी ताल आम क्रेडिट साइड जीव ताल लिखा बाय कौन लिखा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट के 6,000 टका अच्छी लिखिदेले। नेक्स्ट कौन अच्छी नेक्स्ट आइटम अच्छी प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट। आम जो प्लांट किनी से बिक्री करदे बिक्री कलापुर आम लाभ है 4,400 टका ताल आम यू शो करवा बाय प्रॉफिट ऑन ऑन सेल ऑफ प्लांट 6,000 टका लिखिदेले। आउ गोटे आइटम अच्छी बेड डेप्ट रिकवर। बेड डेप्ट रिकवर देखो बेड डेप्ट हो जाइए आम भावुले कि टा आनीदे तो रिकवर हो गल गोटे एटा वन टाइप ऑफ गेन हो गल कंपानी रो। तो केते अच्छी बेड डेप्ट रिकवर देखो 4,400 लिखिदेले। बेड डेप्ट रिकवर 4,400 बिल्डिंग। बिल्डिंग गोटे आसेट गोटे आसेट ताल एटा कौटी जीव ना बैलेंस शीट रो एसेट साइड रे जीव। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल केते इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अच्छी केते 6,400 टका 6,400 टका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल कहले जो ओनर
ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କରିଥାଏ ବିଜନେସରେ ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ କ୍ୟାପିଟାଲ। ତ ତା ବାବଦରେ ଆମେ ବିଜନେସ ତାକୁ ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ତାହେଲେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅନ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ଯେଉଁ କ୍ୟାପିଟାଲ ଉପରେ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ 6400 ଏଇଟା ବିଜନେସର ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ। ନେକ୍ସଟ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଆଣ୍ଡ ଫିଟିଂ, ଯେଉଁ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ରହୁଛି ବିଜନେସର ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଏଇଟା ଆମର ଆସେଟ୍ ସାଇଡ଼ରେ ଯିବ, ବାଲାନ୍ସ ସିଟ୍ର ଆସେଟ୍ ସାଇଡ଼ରେ ଯିବ, ଏଇଟା ପ୍ରଫିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଲସ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଯିବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଏ ଆଇଟମକୁ କନସିଡ଼ର କରିବା ନାହିଁ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଆଣ୍ଡ ଫିଟିଂ, ବୁଝିଗଲା। ତାହେଲେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଅଛି ନା ଅଫିସ ଲାଇଟିଂ ଆଣ୍ଡ ହିଟିଂ, ଅଫିସ ଲାଇଟିଂ ଆଣ୍ଡ ହିଟିଂ 7000 ଅଛି, ଏଇଟା ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସପେନ୍ସେସ୍। ତାହେଲେ କ'ଣ ଲେଖିବା, ଟୁ ଟୁ ଅଫିସ ଲାଇଟିଂ ଆଣ୍ଡ ହିଟିଂ 7000। ପ୍ରତିଟି ଆଇଟମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ, ସବୁ ଆଇଟମ ଆମେ ରେକର୍ଡ କରିସାରିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବା, ବାଲାନ୍ସିଂ କରିବା। ବାଲାନ୍ସିଂ କରିବା, ଦେଖ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମିଶାଇବା ଡେବିଟ୍ ସାଇଡ଼ ମିଶାଇବା, ଯେତିକି ହେବ ଦେଖିବା ଆମେ, ଯେତିକି ହେବ ଆମେ ଦେଖିବା, ଆଉ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ସାଇଡ଼ ମିଶାଇବା ଯେଉଁଟା ଅଧିକ କେତେ ହେଉଛି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା। ଚାଲ ଦୁଇ ସାଇଡ଼ ମିଶାଇଲା ପରେ କେତେ ହେଉଛି ଦେଖ, ଦୁଇ ସାଇଡ଼ ମିଶାଇଲା ପରେ ଏଇଟା 102200 ହେଉଛି, ଏଇଟା 176400। ତାହେଲେ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ସାଇଡ଼ ହେଉଛି 176400 ଆଉ ଡେବିଟ୍ ସାଇଡ଼ ହେଉଛି 102200। ତାହେଲେ ଅଧିକା କେଉଁ ସାଇଡ଼ରେ ହେଇଛି ନା କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ସାଇଡ଼ରେ ହେଇଛି, କେତେ ହେଇଛି ନା 176400। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଯଦି କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ସାଇଡ଼ ଅଧିକା ହେଲା ତାହେଲେ ଆମର କ'ଣ ହେବ, ଟୁ ଟୁ ନେଟ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ ହେବ, କ'ଣ ହେବ ନେଟ୍ ପ୍ରଫିଟ୍। ଆଉ ଯଦି ଡେବିଟ୍ ସାଇଡ଼ ଅଧିକା ହେଲା ତାହେଲେ ଲେଖିବା ଆମେ ବାଏ ନେଟ୍ ଲସ୍, ବୁଝିହେଲା। ତାହେଲେ କେମିତି ପ୍ରଫିଟ୍ ବାହାର କରିବା ନା 176000 ମାଇନସ୍ କରିବା କେତେ, 102200 ମାଇନସ୍ କଲା ପରେ ଯେତିକି ପ୍ରଫିଟ୍ ହେବ ଏଇଠି ଲେଖିବା, ଆଉ ଟୁ ନେଟ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ ବୋଲି ଲେଖିବା, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଟୁ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟସ୍। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଆମର ନେକ୍ସଟ କାମ କ'ଣ ଅଛି, ଏଇ 176400 ମାଇନସ୍ କରିବା 102200। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମ ବକ୍ସରେ ଅଛି, ଯିଏ ଅଧିକା ଯେଉଁ ସାଇଡ଼ ଅଧିକା ହେବ ସେ ସାଇଡ଼ର ଲେଖାଯିବ, ମାନେ 176400 ହେଇଛି, 176400 ଏଇ ବକ୍ସରେ ବି ଲେଖିବା, ଏଇ ବକ୍ସରେ ବି ଲେଖିଦେବା। ତାହେଲେ ଚାଲ ଲେଖିଦେବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଲେଖିଦେଲେ 176400 176400 ଲେଖିଦେଲା ପରେ ଆମର ଯେଉଁ ଡେବିଟ୍ ପଟ ବାହାରିଥିଲା କେତେ, 102200, ଆମେ 102200 ମାଇନସ୍ କରିବା, କେଉଁଠୁ ମାଇନସ୍ କରିବା 176400ରୁ, ଆଉ ଏଇଠି ଲେଖିଦେବା। ତାହେଲେ ଦେଖ ମାଇନସ୍ କଲା ପରେ କେତେ ହେଲା, 74200 ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆମର ହେଲା ପ୍ରଫିଟ୍, ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା, ଟୁ ନେଟ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଟୁ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟସ୍। ତାହେଲେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ହେଲା 74200, ବୁଝିହେଲା। ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ହେଲା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍, ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଙ୍ଗ।